आइए सारे दोस्तों को मनोज त्रिवेदी का प्रणाम है। हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आइए आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच आए हैं। बहुत पावन महीना हम लोग का चैत का जो है रामनवमी, हम लोग खूब धूमधाम से मना चुके हैं। थोड़ा रामनवमी में कुछ कार्यक्रम में हम माता रानी के कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए थोड़ा एक दो दिन लेट हो गया वीडियो डालने में, लेकिन चलिए आपके सेवा में फिर हाजिर हैं। और आज जो वीडियो आपके बीच लेकर के आए हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी वाला वीडियो है। देखिए अभी तक में थपकी का पैटर्न हम सीधा दिए, डायरेक्ट इसका वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज जो वीडियो डालने वाले हैं ये उल्टा थपकी, जो उल्टा थपकी जो है कहरवा में डबल में भी उल्टा थपकी का प्रयोग होता है, और आप जान जाए कि कीर्तन भजन में उल्टा थपकी एकदम बजना ही बजना है। इसलिए हम चाहें आज कि आज के वीडियो में आपको उल्टा थपकी भी जरूर हम दें, ताकि आपको बजाने में और सीखने में सहूलियत हो। पहले जरा सा बजाते हैं, आपको लगना चाहिए कि आखिर में आज हमको क्या सीखना है और आज के वीडियो में सर क्या दिए हैं टास्क, उसको आपको पूरा करना है। चलिए आप लोग इसी तरह पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि पूरा कर रहे हैं और बजा रहे हैं। ये कैसे लग रहा है वो आप ही लोग जान रहे हैं भैया, आप लोग हमको वीडियो भेज रहे हैं और वीडियो जब आप लोग का देखते हैं तो हमको लग रहा है कि नहीं, हमारा मेहनत सफल हो रहा है। देखिए उल्टा थपकी कैसे बजेगा, और उल्टा थपकी जो है बहुत जान ला देता है, याद रखिएगा, कहीं भी आप बजाएंगे ना जान ला देगा। पहले सुन लीजिए आप, देखिए ये लय हम स्लो करके दिखा रहे हैं आपको, ये जब फास्ट होगा तो और खूबसूरती आ जाता है इसमें, ये फास्ट भी होता है। देखिए इसको बारीकी से बताते हैं आपको। देखिए ये हर एक भजन जागरण में ठेका जैसे कहरवा का लेकर के चल रहे हैं, तो कहरवा के लेकर के ठेका चलने के बाद एक छोटा सा पिकअप मार करके फिर आपको ये यदि आप बजा देते हैं तो महफिल में चार चांद लग जाएगा। आपको इतना तोड़ के इतना अलग अलग करके आप समझाने वाले हैं कि ये आपके हाथ में बस जितना देर का वीडियो है बस उतने देर लगेगा, लेकिन आप बजाने लगेंगे ये नहीं होगा। सीख तो जाएंगे जितना देर का वीडियो है, 10-11 मिनट 12 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट में ये गारंटी है कि आपके हाथ में आना तय है। इतना हम तोड़ तोड़ के अच्छा से आपको प्यार से समझाने का कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आपको 10 से 11 मिनट का मेरा वीडियो 12 मिनट का है, आइए वीडियो में आप खूब आराम से सीख जाएंगे, लेकिन बजा नहीं पाएंगे। बजाएंगे तब जब आपको एक घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो कम से कम 20 मिनट भी इस ताल को निरंतर 2-4-10 दिन बजाते रहना होगा। कितना देर? 20 मिनट कम से कम, ताकि ये जो ताल आप सीखें तो इसका रफ्तार है, इसका लय को आप समझ के बजाएं, आप लय तेज कर पाए। नहीं तो सीखने के लिए तो आदमी 8-10 मिनट में सीख लेगा, लेकिन बजाना कठिन है, बजाने के लिए आपको रियाज करना होगा। आइए अब बारीकी से बताते हैं, कुछ नहीं है, जब बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या बोले। सबसे पहले हम लोग को निकालना है धागे टेटे। अब आप जान जाइए कि एक चीज बहुत लोग पूछने लगते हैं कि सर टेटे यहां से टेटे निकल रहा है, फिर यहां से टेटे निकल रहा है, तो आप बहुत सारा बोल है, घृणक गिड़नक तिरकट टेटे ट्रांग ढांग बहुत सारा बोल है, ठीक है, और ढोलक एक ही है, ये चाटी एक ही है। अब यहीं से हम लोग को दोनों मिला करके सारा बोल को निकालना है,
तो जो हमारे गुरुजी लोग हैं ना, वो सारा सिस्टम बना के चले गए हैं। तेटे यहां से भी निकलेगा, देख लीजिए, फर्स्ट फिंगर से ते आ टे, यहां से भी तेटे, टे यहां से भी हो, फिर ते ते यहां से भी होगा, और इस लेसन में जो तेटे है वो यहां से होगा, ते थपकी, थपकी को ते बोलेंगे हम लोग, ते थोड़ा सा ऊपर उठा के मार रहा है टे, बस ये समझ लेना है, ते 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 ते। आप डिस्टेंस को जरूर देखें, ते कहां लग रहा है, टे कहां लग रहा है, देखिए ये जो पोर्शन है ये गौर से समझेंगे, ये बहुत बारीकी चीज है, ये जब आप सही से गिराएंगे ना तब ये एकदम चपक के आएगा, देख रहे हैं, ये हो गया ते, ये ते, अब थोड़ा सा ऊपर उठा के मारिएगा ये टे, बस ये बात को समझ गए, ये ताल आपके हाथ में आ गया, ते 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 ते, बस। अब हम लोग को करना क्या है, बोल क्या है, धागे ते ते, तो धागे उसी तरह बजेगा जैसे आप लोग बजाते हैं, धागे कैसे बजेगा, फर्स्ट फिंगर और धा। उम्मीद रखिए कि जो लोग बंद बाया बजाते हैं ये वाला, वो बंद बजाएंगे, जो लोग खुला बजाते हैं वो खुला बजाएंगे, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले हम लोग को निकालना है धागे तेटे, तेटे आपको बता दिए कहां से निकलेगा, ते ते, बस यहां से निकलेगा, फिर एक बार ते, 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 ठीक है। अब धागे फर्स्ट फिंगर और धा एक साथ मारना है, धा और ये जो उंगली है ये फर्स्ट वाला बायां हाथ का, ये उंगली गे निकलेगा, हल्का सा टच करिएगा तो गे निकलेगा, एकदम सिंपल साधारण बोल है, धागे धागे ते, ते, बस काम आधा हो गया, धा गे ते ते, धागे ते ते, धागे ते ते, धागे ते ते, धागे सॉरी धागे ते ते, धागे ते चार गो है, धा गे ते ते। अभी जैसे आपके हाथ में आया भैया, आपको करना क्या है कि इसको निरंतर दो चार मिनट पांच मिनट खाली यही बजा दीजिए, आपके हाथ में एकदम बैठ जाएगा, कैसे, धा गे ते ते, धा गे ते ते, धा गे ते ते, आगे का बोल के फेर में नहीं रहना है, पहले इसी को दो मिनट चार मिनट कर लीजिए, पहले जैसे आधा आपके हाथ में आया धागे ते ते, बस इसको पहले पांच मिनट कीजिए, हड़बड़ा कह रहे हैं भैया, अभी तो अब मान लीजिए आगे का जो बोल है तो आप तो रियाज करने बैठवे किए हैं, उसको तो सीखवे कीजिएगा, काट सकता है कोई, पूरा सीखिएगा तब ना बजाइएगा, लेकिन यदि आधा सीख गए हैं तो आधा को पहले राउंडिंग पूरा एकदम धर के पेर दीजिए पांच मिनट, दिमाग में सेट कर जाना चाहिए, तब आगे वाला फिर बोल को बजा करके दोनों को सटाएंगे, ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि हम बारीकी से बताते हैं तोड़ तोड़ के। सबसे पहले बजाना है धा गे ते ते, बस हाथ में आया, स्टार्ट हो जाइए, धा गे ते ते, धा गे ते ते, धा गे ते ते, धा गे ते ते, धा गे ते ते। आप पाएंगे कि जब तीन चार मिनट आप बजा लेंगे ना तो ये आपसे जरा फास्ट बजने लगेगा, धागे ते ते, 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 आपको मजा आने लगेगा, आपको खुशी मिलने लगेगा कि हाँ ये तो बज गया हमसे, ठीक है। तो अब क्या करना है, धागे तेटे हो गया, अब बजाना है धागे तेटे, धागे तेटे धागे, अब देखिए तागे धेटे, अब इसमें जोड़ना है तागे धेटे, धागे तेटे तागे, वही प्रोसेस है,
टाफ यहां से अगे यहां से टागे धे धे में धा के साथ फिर वहीं लगेगा धे काम हो गया आपका धागे ते ते तागे धे ते 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 एक बार और बारीकी से धागे ते ते तागे धे ते दोनों को जोड़ दिए धागे ते ते तागे धे ते धागे ते ते तागे धे ते धागे ते ते तागे धे ते बहुत ही महत्वपूर्ण ताल आज आपके बीच लाए हैं। यदि आप मेहनत करके हाथ मिलाएंगे तो देखिए ये कैसे बोलेगा। आपको लग रहा होगा छोटा सा बोल है लेकिन सर 10-11 मिनट 12 मिनट खा गए। अरे महाराज आप लोग कितना समय व्यर्थ का इधर उधर गंवा देते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मेहनत करके बना रहे हैं, अब 2-4 मिनट यदि बोलने में समझाने में लेट लग रहा है तो आप लोग कहे आप परेशान हो रहे हैं। आपको तो और सोचना चाहिए कि सर इतना मेहनत करके बारीकी से बताने का कोशिश कर रहे हैं, छोटा से छोटा बोल को बार बार बता रहे हैं, आपको खुशी होना चाहिए। भैया आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप ही के लिए चैनल को खोले हैं। माता रानी की कृपा से दाल रोटी चल रहा था मेरा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं था, लेकिन वीडियो खोलने का मेन ध्येय है, चैनल खोलने का मेन मेरा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे कलाकारी से सीखे और ज्यादा से ज्यादा लोग कीर्तन भजन करें, यही मेरा मेन मकसद है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग इसी तरह मेरा वीडियो को वॉच करते रहे, प्यार देते रहे, आगे बढ़ाते रहे चैनल को, और आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहे। माता रानी की कृपा आपके परिवार पे, बाल बच्चा पर और आप पे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, पूरा माता रानी का कृपा आप लोग पर बरसता रहे। ये एक बात बता देते हैं कि जिस 18 भुजा वाली मैया का हम सेवक हैं वहां हम बोलते हैं कि करीब करीब 30,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल से जुड़े हैं, उस 30,000 मेरे परिवार की तरह है, मेरे घर की तरह है, मेरे आदरणीय हैं। हे माता रानी उनके परिवार में मंगल ही मंगल करना, हर बराबर हम मैया से मनाते रहते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि जम के मेहनत करें और जम के कीर्तन करें और भगवान का नाम लें। बस हम हर वीडियो में बोलते हैं इसी तरह बम बम रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आइए जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, यदि हमारा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा वीडियो अच्छा है और हम अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए अपने छोटे भाई मनोज त्रिवेदी को आज्ञा दे, प्रणाम।